राशियों का व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्व माना गया है और राशियों के आधार पर ही हम व्यक्ति के आने वाले समय के बारे में जानकारी को हासिल कर सकते हैं। अगर ग्रह नक्षत्रों में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव होता है तो इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर कुछ न कुछ जरूर पड़ता है। कोई ग्रह व्यक्ति को खुशियां देता है तो कोई ग्रह व्यक्ति को परेशान भी करता है। ग्रहों की चाल के अनुसार जातक के जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। हम आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज रात से सूर्य पुत्र शनिदेव ने कुछ राशियों की पुकार सुन ली है और इन पर मेहरबान रहने वाले हैं। इन राशियों को अपने भाग्य का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा और इनको अचानक कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से उन्हीं राशियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन राशियों के ऊपर आज रात से सूर्य पुत्र शनिदेव की कृपा बरसने वाली है। पहला, मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर आज रात से शनिदेव की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इस राशि वाले व्यक्तियों के कई दिनों से रुके हुए अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी। आपको अपनी छवि सुधारने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। आपके सोचे हुए कार्य सफल होंगे। आपका आने वाला समय बहुत ही आनंददायक रहने वाला है। आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भली भांति से पूरा करेंगे। शनिदेव की कृपा से आपके उलझे हुए मामले भी सुलझ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। किसी पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा भी मिल सकता है। दूसरा, सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर आज रात से शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। घर परिवार में सुख शांति का आगमन होगा। जो भी व्यक्ति व्यापारी हैं, उनको अपने व्यापारिक क्षेत्र में नए एग्रीमेंट और समझौते होने की संभावना भी बन रही है। सामाजिक कामकाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप अपने किसी मित्र से मुलाकात भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका मन भी बहुत ही प्रसन्न होगा। कारोबार के सिलसिले में आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए आने वाला समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। शनिदेव की कृपा से आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी बाधाएं भी दूर होंगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तीसरा, कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर आज रात से सूर्य पुत्र शनिदेव की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी। आपके कारोबार में विस्तार हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात भी कर सकते हैं। आपको मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। आने वाले समय में आपकी ज्यादातर परेशानियां दूर हो जाएंगी। अधूरे काम भी सरलता पूर्वक सफलता से पूरे होंगे। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का पूरा सहयोग मिलेगा। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सभी परेशानियां अब दूर होंगी। आप अपना आने वाला समय खुशहाली पूर्वक व्यतीत करेंगे। चौथा, तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर आज रात से शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। खासकर जो व्यक्ति व्यापारी हैं, उनको अपने व्यापार में भारी धन लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है। आपके लिए आने वाला समय अति उत्तम रहने वाला है। आपको आने वाले समय में विशेष लाभ और उन्नति के बहुत से अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आपको अपने भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। आपकी सभी चिंताएं दूर होंगी। जीवन साथी के साथ आप कहीं बाहर घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। शनि देव की कृपा से आपको अपने कष्टों से छुटकारा प्राप्त होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। पांचवा, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय अति उत्तम रहने वाला है। आपके ऊपर शनि देव की कृपा दृष्टि लगातार बनी रहेगी। जो भी व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं, उनके आय में वृद्धि होने के साथ साथ ट्रांसफर होने के भी योग बन रहे हैं। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। आपने जिस कार्य को पूरा करने का सोचा हुआ है, वो भी पूरा हो सकता है।
जिन व्यक्तियों की शादी नहीं हुई है उनको शादी का अच्छा प्रस्ताव मिलने की संभावना भी बन रही है। शनि देव की कृपा से आपका मानसिक तनाव दूर होगा, घर परिवार में खुशी का वातावरण भी बना रहेगा। छठा, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर आज रात से शनि देव मेहरबान रहने वाले हैं। इस राशि वाले व्यक्तियों को आर्थिक तंगी से भी छुटकारा प्राप्त होगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों से उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे। आप अपने सभी काम समय पर पूरा कर सकेंगे। आपको अचानक से धन लाभ होने की संभावना बन रही है। अच्छे लोगों की संगति से आपको लाभ भी मिल सकता है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने का योग बन रहा है। शनि देव की कृपा से आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका आने वाला समय भी ठीक रहेगा। सातवां, मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर आज रात से शनि देव मेहरबान रहने वाले हैं। अगर आप अपने व्यापार में विस्तार भी करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। घर के लिए आप कुछ जरूरी चीजों की खरीदारी भी कर सकते हैं। आपके द्वारा लिया गया फैसला फायदेमंद साबित होगा। जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में है उनके लिए आने वाले समय बहुत ही अच्छा रहने वाले है। इस राशि वाले व्यक्तियों को तनाव से मुक्ति मिलेगी और शनि देव की कृपा से आप अपने कार्य क्षेत्र में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की की ओर बढ़ेंगे। आपकी सभी परेशानियां भी दूर होंगी। माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। तो दर्शकों, अभी तक हमने आपको बताया उन सात राशियों के बारे में जिनको आज रात से शनि देव की कृपा प्राप्त होने वाली है और उनपे शनि देव आज रात से मेहरबान भी रहने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं बाकी की बची हुई राशियों का हाल कि कैसा रहेगा उनका आने वाला समय। तो बची हुई राशियों में से शुरू करते हैं सबसे पहले वृषभ राशि वालों से। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आने वाले समय में अधिक व्यस्त नजर आएंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी भी पड़ेगी। आपके जो भी अधूरे काम काफी दिनों से रुके पड़े हैं उसको निपटाने की कोशिश में लगे रहेंगे। आपका आने वाला समय मिला जुला साबित रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आने वाले समय में थोड़ा संभाल कर रहना होगा। आप कोई भी काम को जल्दबाजी में मत कीजिए। धन से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आर्थिक परेशानियों से आप परेशान भी रह सकते हैं। आप अपने फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। जो व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं उनको कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। कार्य क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। पेट से संबंधित रोग होने की संभावना बन रही है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आने वाले समय में कुछ परेशान रह सकते हैं। खासकर जो भी नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपके कार्यों में कुछ जोखिम भी हो सकता है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आप दूर रहें। आप अपने सभी काम समय पर पूरा कीजिए। सोच विचार में अधिक समय व्यर्थ मत करें। कामकाज में आने वाली रुकावट की वजह से आपका मूड भी खराब हो सकता है। आपके स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आने वाला समय मिला जुला साबित रहेगा। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला लेते हैं तो सोच विचार करके जरूर लीजिए। आपको आर्थिक तौर से फायदा भी मिल सकता है। परिवार समाज में आपका महत्व बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप कहीं निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इससे आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आने वाले समय में
कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कोई नया सौदेबाजी करते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ही ठीक नहीं है। आपका पैसा भी रुक सकता है, ना चाहते हुए भी आपका अधिक धन खर्च होगा। परिवार के किसी सदस्य की वजह से आप कठिन स्थिति में भी आ सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की प्लानिंग करते हैं तो उसको गुप्त रखें। अपनी बातों को किसी से के साथ भी शेयर मत कीजिए। आप किसी वाद विवाद में उलझ सकते हैं। आपका मन कार्यों में नहीं लगेगा।